32 प्रॉब्लम में एक थिन डायमैग्नेटिक रॉड है बच्चों, इसको वर्टिकली अपन ने दो पोल्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेट के रख दिया है। फिर कहता है द करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच्ड ऑन, और ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो डायमैग्नेटिक रॉड है वो अपवर्ड पुश्ड हो गया है ना, आउट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली एक तरह का एक्टिविटी है ये, अपन जब पढ़ते हैं डायमैग्नेटिक तो इसको सीखते हैं, इस तरह से समझा रहा है ये। लेट से कोई करंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और यहाँ इस तरह से एक डायमैग्नेटिक रॉड वर्टिकली रख दिया हम लोगों ने। सेंट्रल रीजन पे बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टली एक फील्ड दिख रहा होगा बच्चों इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाले रीजन पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन देख ही सकते हैं डायग्राम में कि क्या होगा, वीकर होगा, ठीक। तो आपको ये जानकारी होती है कि जो डायमैग्नेटिक होता है, डाया मैग्नेटिक, इसे जब कभी फील्ड के अंदर रखते हैं अपन तो ये क्या करता है, ये फीबली मैग्नेटाइज होता है, फीबली मैग्नेटाइज होगा। और बच्चों कैसे मैग्नेटाइज होता है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इसको समझने के लिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्गर से लेके वीकर की तरफ रिपेल्ड आउट होगा, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये रिपेल होना शुरू हो जाएगा, रिपेल्ड अपवर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, पुश्ड आउटसाइड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। फिर कहता है ये हाइट वगैरह अचीव करेगा तो कुछ ग्रेविटेशनल एनर्जी आ जाएगी, और अल्टीमेटली वो किसकी वजह से होगी तो वर्क बताओ। तो देखते हैं अपन लोग यहाँ पे कि जो करंट है, करंट इनसाइड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, करंट इनसाइड इलेक्ट्रोमैग्नेट सेट्स अप मैग्नेटिक फील्ड, और उस फील्ड की वजह से जो डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, ठीक है, ये डायमैग्नेटिक रिपेल आउट हो जाता है, रिपेल्ड आउट। तो अल्टीमेटली अपना क्या है, करंट सोर्स की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जा रही है। स्ट्रॉन्गर है, वीकर है, तो ये जो डायमैग्नेटिक है ये रिपेल करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। आंसर होगा वर्क डन ड्यू टू करंट सोर्स, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।